नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विषर्ण के कार और अंडाशय के कार। जैसे कि प्रश्न है, विषर्ण तथा अंडाशय के कार लिखो। उत्तर है विषर्ण के कार। विषर्ण के कार निम्नलिखित हैं। विषर्ण का पहला कार है, विषर्ण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। विषर्ण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। विषर्ण का दूसरा कार्य है, विषर्ण में स्थित अंतराली कोशिकाएं या लैडक्स कोशिकाओं के द्वारा नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं, जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। विषर्ण में स्थित अंतराली कोशिकाएं या लैडक्स कोशिकाओं के द्वारा नर हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं, जो विषर्ण में अंतराली कोशिकाएं या लैडक्स कोशिकाएं स्थित होती हैं उनके द्वारा नर हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं, जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। अंडाशय के कार। अंडाशय के कार निम्नलिखित हैं। अंडाशय का पहला कार है, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय का दूसरा कार है, अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जैसे लिंग हार्मोनों का उत्पादन करता है। अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जैसे लिंग हार्मोनों का उत्पादन करता है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।